नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। खबर उन्नाव से है, जहां असोहा ब्लॉक के चार गांव से सैकड़ों लोगों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर तहसील प्रशासन द्वारा निष्पक्ष जांच न करने के गंभीर आरोप लगाते हुए जिलाधिकारी को संबोधित ज्ञापन सौंपा है। और इसके अलावा ग्रामीण ने मौजूदा कैटेगरदार से कार्यशैली से संतुष्टि को लेकर सैकड़ों शपथ पत्र भी जिलाधिकारी को सौंपे और पहले भी कोटेदार के खिलाफ दी गई शिकायतों की निष्पक्ष जांच कराने की और सबके बयान के आधार पर न्याय करने की मांग उठाई है। वहीं कलेक्ट्रेट परिषद में अतिरिक्त मजिस्ट्रेट द्वारा ज्ञापन प्राप्त करके पूर्व SDM के मामले में ही निष्पक्ष जाँच करने के निर्देश दिया है। तो आपको उन्नाव से खबर बता रहे हैं, जहां पर अधिकारी पर एक पक्षीय जांच करने के आरोप लगाए गए हैं और इसके साथ ही बताया जा रहा है कि अधिकारी पर ये आरोप लगे हैं जहां पर एक पक्षीय जांच करने के आदेश दिए गए हैं और कलेक्ट्रेट का घेराव करने वहां पर लोग पहुंचे, भारी संख्या में लोग मौजूद रहे हैं। समस्या हमारे यहाँ पूर्व कोटेदार ने कुछ लोगों को ले जाके बहला फुसला के वहाँ तहसीलदार साहब के यहाँ शिकायत करा दी कि हमको राशन नहीं दिया जा रहा है। तो उन लोगों ने एफिडेविट बना के दे दिया और वहाँ जब उनसे हमने पूछा तो उन्होंने कहा कि हमें धोखे से लेके चले गए, हमें कोई जानकारी नहीं थी। उसके बाद फिर नया तहसीलदार जब जांच करने आए हमारे गांव में तो सिर्फ हमारे बयान लिए और हमारे खिलाफ में भी किसी के बयान भी नहीं हुए। तब भी हमने उनसे पूछा और पब्लिक हमारी थी, वो अपनी बात कहती रही लेकिन वो एक बार भी किसी से ये नहीं, किसी के बयान लिखे भी नहीं, बयान नहीं लिखे, सुनते रहे लेकिन बयान किसी के नहीं लिखे। यहाँ आज ग्राम पंचायत गोसाई खेड़ा जो विकास खंड असोहा तहसील पुरुआ लगती है, वहाँ के काफ़ी महिलाएं और व्यक्ति आए हुए हैं। इसमें जो कोटेदार भी आए हुए, जो पूर्व कोटेदार, उन्होंने इनके खिलाफ शिकायत की होगी और नायब तहसीलदार ने जांच की, उससे ये लोग संतुष्ट नहीं है, उसके विरोध में आए हुए हैं। इनका कहना है कि हम लोग को जो राशन वगैरह है वो सब जितना है उतना मिलता है और इसमें हमें समय कोटेदार उससे हमें कोई शिकायत नहीं है। चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। हरदोई के माधोगंज थाना इलाके में भारतीय जनता पार्टी की जिला पंचायत सदस्य की गाड़ी के ऊपर कुछ लोगों ने हमला कर दिया और हमले में गाड़ी पूरी तरीके से टूट गई है और हमलावरों ने ड्राइवर को भी मारा पीटा है। किसी तरह से महिला जिला पंचायत सदस्य ने अपनी जान बचाई है और इस पूरे मामले में पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया है और ASP ने बताया है कि पुलिस ने 10 से 11 लोगों को हिरासत में लिया है और पूछताछ शुरू कर कार्रवाई की जा रही है। एक श्रीमती पूजा देवी जो कछौरा द्वितीय से जिला पंचायत सदस्य हैं और गौसगंज की रहने वाली हैं, एक शादी समारोह में माधवगंज आई थी। यहाँ से सम्मिलित होने के बाद वापस जा रही थी गौसगंज, रास्ते में एक बारात निकल रही थी, उसके लोगों से कुछ इनकी कहा सुनी हुई, इसके बाद उन लोगों ने इनके ड्राइवर के साथ गाली गलौज की मारपीट की तथा इनकी गाड़ी को तोड़ दिया है। पुलिस को सूचना मिली है, इसमें जो भी शामिल लोग हैं 10-11 लोग उनको पुलिस ने हिरासत में लिया है, उनसे पूछताछ की जा रही है, जो भी तहरीर मिलेगी उसके आधार पर आपसे विधिक कार्रवाई की जाएगी। मैं पूजा सिंह कछौना दोती से जिला पंचायत सदस्य हूँ, भाजपा की जो कि नेता हूँ। मैं यहाँ पे गोमती लान में, माधोगंज में गोमती लान से शादी से जा रही थी, तो यहीं पे जो नटपुरवा, क्या बोलते हैं, नटपुरवा के पास में काफ़ी फैमिली फंक्शन, कोई शादी समारोह में शादी समारोह चल रहा था, तो वहीं पे लेफ्ट साइड में गाड़ियाँ लगी हुई थी, बाकी राइट साइड में फैमिली फंक्शन चल रहा था। तो मेरा ड्राइवर जो है गाड़ी निकाला, तो मैंने कहा भैया आराम से निकालना, फैमिली फंक्शन चल रहा है। तो फिर दो तीन लोग जो है उसने निकाली ऐसे करके, बाकी दो तीन लोग आके पीछे से गाड़ी रोक दिए एकदम से, साइड से आके गाड़ी रोके, तो मैंने इसे कहा, और वो एकदम से मतलब शीशे के ऊपर से मुझे लगा कि वार कर रहे हैं ऐसे करके। फिर मैंने कहा उसे थोड़ा सा भैया आगे बढ़ा लो गाड़ी, फिर जब तक वो आगे गाड़ी बढ़ाता रहा तब तक 10-12 लोग पीछे से आ गए, फिर से जो आ गए, फिर उन लोगों ने गाड़ी के ऊपर वार करना चालू कर दिया और इधर से शीशा वगैरह काफ़ी आगे और लेफ्ट साइड का और राइट साइड का तोड़ा और ड्राइवर को पूरी तरीके से मारने लगे। हम यहाँ बारात में आए थे तो यहीं से वापस जा रहे थे, तो वहीं नटपुरवा जो बोला जाता है वहीं हाथ दिया हमको, तो हमने थोड़ा गाड़ी स्लो की, रोकी, उसके बाद उन्होंने मारना पीटना शुरू किया, शीशे तोड़े, हमने शीशा अपना खोला, हमको भी मारा, यही हुआ है। आपके साथ कौन कौन मौजूद था गाड़ी में और कितने लोग थे? जी हमारे साथ जो है जिला पंचायत सदस्य ये थे।
और इसी खबर पर हमारे साथ हरदोई से संवाददाता मोहम्मद आसिफ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहम्मद आसिफ, हमलावरों ने ड्राइवरों को जमकर पीटा है, पूरा मामला क्या है विस्तार से बताइए। जी, ये पूरा मामला जो है माधोगंज थाना इलाके का है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की जिला पंचायत सदस्य जो शादी समारोह से वापस लौट रही थी, उनकी गाड़ी पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। हमले में गाड़ी पूरी तरीके से टूट गई और हमलावरों ने ड्राइवर को भी काफी मारा पीटा। किसी तरह से महिला जिला पंचायत सदस्य ने अपनी जान बचाई और इस पूरे मामले में पुलिस को तहरीर दी। पुलिस ने 10 लोगों को हिरासत में लेकर FIR दर्ज कर ली है। जी, जैसे इसमें बताया जा रहा है कि किसी तरह उन्होंने जान बचाई है, और किस तरह से ये पूरा मामला घटित हुआ था विस्तार से थोड़ा बताइए मोहम्मद आशिफ। जी, ये शादी समारोह में गए थे, जहाँ से ये वापस आ रहे थे तो नटपुरवा के पास में कुछ कंजर बिरादरी के लोग वहां पे मौजूद थे। साइट को लेकर इनका कुछ विवाद हुआ है और उसके बाद उन लोगों ने हमला बोल दिया, जिसमें ड्राइवर को काफी पीटा और उनकी गाड़ी पर हमला बोल दिया। किसी तरह उन्होंने तो बच्चों के साथ में अपनी जान बचाई और उसके बाद वो पुलिस को तहरीर दी और पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है। 10 से 11 लोगों को हिरासत में भी लिया है। जी, इसको लेकर पुलिस प्रशासन का क्या कुछ अभी बयान सामने आया है? पुलिस का कहना है कि अन्य लोगों से भी पूछताछ की जा रही है, उसमें जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जी मोहम्मद आशिफ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी देने के लिए। गोमती रिवर फ्रंट मामले को लेकर अखिलेश यादव ने बयान देते हुए कहा है कि बीजेपी वाले ये याद रखें कि हर किसी का दिन एक जैसा नहीं होता, आपकी भी जांच होगी, आपके लोग भी फंसेंगे और अपने जो कांड किए हैं उसके CBI और ED की जांच कब होगी। सुप्रीम कोर्ट ने निष्पक्षता को लेकर भी उन्होंने सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि बीजेपी कभी निष्पक्ष नहीं रहेगी, भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठे लोग हैं। तो आपको मेनपुरी से खबर बता रहे हैं, जहां पर गोमती रिवर फ्रंट का मामला सामने आया है। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर अब तंज कस दिया है। बताते चलें कि गोमती रिवर फ्रंट मामले को लेकर अखिलेश यादव ने बयान देते हुए कहा है कि बीजेपी वाले ये याद रखें कि हर किसी का दिन एक जैसा नहीं होता है, आपकी भी जाँच होगी और आपके लोग भी फंसेंगे और आपने जो कांड किए हैं उसकी CBI और ED की जाँच कब होगी। और सुप्रीम कोर्ट ने निष्पक्षता को लेकर भी उन्होंने सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि बीजेपी कभी निष्पक्ष नहीं रहेगी, भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठे लोग हैं। लिए आया था, हमें उम्मीद है कि इन सबका आशीर्वाद मिलेगा और नेताजी का चुनाव है। नेताजी ने इस क्षेत्र के लिए बहुत काम किया है। ये जितना कुछ विकास यहाँ दिखाई दे रहा है मैनपुरी में, ये समाजवादी और नेताजी की देन है। भारतीय जनता पार्टी अपना काम बताएं, उन्होंने क्या काम किया है? केवल झूठ, केवल साजिश करना, षड्यंत्र करना, बड़े बड़े अधिकारियों के साथ बैठ करके साजिश षड्यंत्र करना, यही लोकतंत्र में बचाएंगे। बड़े बड़े अधिकारी चुनाव लड़ा रहे हैं लेकिन जनता समाजवादियों को जिता रही है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लगातार घेरेबंदी कर रही है बीजेपी। मामला बांदा के पीपरहरी तहसील नरेनी का है, जहां पर अनुसूचित जाति के शमशान घाट की आरक्षित भूमि पर गौशाला का निर्माण कर लिया गया है और जिसकी शिकायत को लेकर मंडला आयुक्त चित्रकूट धाम बांदा को शिकायत पत्र देकर कार्रवाई की मांग की। मंडला आयुक्त ने SDM नरेनी को जांच करने के आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश भी दे दिए हैं। तो बांदा से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर मंडला आयुक्त की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। बताया जा रहा है कि शमशान घाट पर अवैध कब्जे के आरोप लगे थे, जिसके बाद मंडला आयुक्त की पर शिकायत की गई थी और जिसके बाद ही मंडला आयुक्त से शिकायत की गई और मामला बांदा पीपरहरी तहसील नरेनी का है और जहां पर अनुसूचित जाति के शमशान घाट की आरक्षित भूमि पर गौशाला का निर्माण कर लिया गया है, जिसकी शिकायत को लेकर मंडला आयुक्त चित्रकूट धाम बांदा को शिकायत पत्र देकर कार्रवाई की मांग की और मंडला आयुक्त ने SDM नरेनी को जांच करने के आदेश और दिए हैं और कार्रवाई के भी निर्देश दे दिए हैं। जलाने नहीं देते हैं, गौशाला बन रहा है। कौन लोग बना रहे हैं, कौन नहीं जलाने देता? चंदा देवी। कौन है ये? प्रधान, ग्राम प्रधान है। क्या कहती है जब आप लोग वहाँ जाते हैं? कहती कि वहाँ मरघट में जलाने न देंगे, हमारे गौशाला बन रहा है।
अच्छा तो कहीं शिकायत की थी इस बारे में कहीं इसके पहले? हाँ करी करी रहे जबरदस्ती का बना रहे हैं गौशाला। कहाँ शिकायत की थी इससे पहले? नारायण एसडीएम के पास। हाँ का कुछ कार्रवाई भी नहीं हुआ? और वहीं इसी खबर पर हमारे साथ बांदा से संवाददाता पंकज त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज पूरा मामला क्या है? जी मैं आपको बता दूं कि नारायणी तहसील के पिपरहरी गांव का मामला है ये, और वहां पर एक मरघट की जमीन है जहां पर अनुसूचित जात के सौ का अंतिम संस्कार किया जाता है। तो वहां पर गाँव के ही एक दबंग प्रधान ने उस मरघट की जमीन पर गौशाला का निर्माण करा दिया है, जिसकी शिकायत को लेकर ग्रामीणों ने एसडीएम नरेनी को एक शिकायती पत्र देते हुए उनसे कहा कि मरघट की जमीन है अनुसूचित जाति के, यहाँ पे सौ का जो है वो होता है अंतिम संस्कार किया जाता है। तो इसके बाद भी प्रधान ने उनकी बात नहीं सुनी और एसडीएम ने कह दिया ठीक है कार्रवाई होगी। और इसके बाद कम से कम एक हफ्ते बाद फिर ग्रामीणों ने मंडला आयुक्त को शिकायत की। शिकायत करने के बाद मंडलायुक्त ने एसडीएम को आदेश दिया की मौके पर जाकर देखें और उसको खाली कराएं। तो इस तरह की मामले सीधे जो है बार बार निकल के आते हैं कि दबंगों द्वारा किसी न किसी जमीन को कब्जा कर लिया जाता है, किसी कहीं जो संस्थान की जमीन है तो उसमें गौशाला का निर्माण करा दिया जाता है। तो ये तहसील नरेनी के पिपरहरी गांव का मामला है। जी पंकज कितनी संख्या में वहाँ पर ये जो महिलाएं पहुंची, कितनी संख्या में पहुंची और इनमें कितना आक्रोश देखने को मिला है? मैं आपको बता दूं एक चिंगारी संगठन के द्वारा संगठन के लोग भी मौजूद थे और ग्रामीण के कम से कम दो दर्जन से अधिक महिलाएं और दो दर्जन से अधिक पुरुष भी मौजूद थे जो मंडला आयुक्त को शिकायत कर अपनी आपबीती बताई। जी क्या कुछ कहा है पीड़ितों ने? पीड़ितों ने तो यही बताया कि आपका जो वो मरघट की जमीन है, जमीन बताने के बाद मरघट की जमीन है और मरघट की जमीन में गौशाला का प्रधान निर्माण करा रहा है जो कि दबंग प्रधान है। वो किसी तरह जब ग्रामीणों ने उनसे जाके कहा प्रधान से, तो प्रधान ने गाली गलौज करते हुए और उनको वहां से भगा दिया। जी पंकज और इस तरह के मामले सामने आते रहे हैं क्या यहाँ पर? जी मैं आपको बता दूं इस तरह के मामले हमेशा कहीं ना कहीं सुर्खियों में प्रशासन बना रहता है, कहीं ना कहीं ग्रामीणों में कहीं दबंगों का कब्जा होता रहता है। प्रशासन से आए दिन ग्रामीण पुकार करते हैं, शिकायत करते हैं, प्रशासन अनसुनी करके छोड़ देता है। बिल्कुल पंकज अभी प्रशासन की ओर से क्या आश्वासन दिया गया है? बस आश्वासन यही दिया गया कि मंडला आयुक्त को उन्होंने शिकायती पत्र दिया, मंडला आयुक्त ने एसडीएम को आदेशित कर दिया कि मौके पर जाकर देखें और उसको खाली कराएं। जी पंकज बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी देने के लिए। हरदोई में एक महिला को छेड़ना एक युवक को भारी पड़ गया और महिला ने छेड़खानी करने वाले युवक को सरेआम चप्पलों से जमकर पीटा है। चप्पलों से पीटने के बाद युवक ने महिला के पांव छूकर माफी मांगी है, जिसके बाद मामला रफा दफा हो गया है। बता दें आपको कि इस दौरान भारी भीड़ जमा रही और वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। तो आपको हरदोई से खबर बता रहे हैं जहां पर महिला को छेड़ना एक युवक को भारी पड़ गया है और बताया जा रहा है कि महिला से छेड़खानी कर रहा था युवक, जिसके बाद वहां पर लोग इकट्ठे हो गए और उसके बाद एक युवक ने छेड़ने वाले युवक को जमकर पीटा है और महिला भी वहां पर खड़ी हुई साफ तौर पर नजर आई है। आपको बता दें कि हरदोई में एक महिला को एक युवक छेड़ रहा था, जिसके बाद महिला गुस्से में हो गई और महिला ने छेड़खानी करने वाले युवक को सरेआम चप्पलों से जमकर पीटना शुरू कर दिया। चप्पलों से पीटने के बाद युवक ने महिला के पांव छूकर माफी मांगी है, जिसके बाद मामला जो है वो शांत हुआ है। वहीं बताया जा रहा है कि युवक काफी समय से महिला का पीछा करते आ रहा था, जिसके बाद वो महिला को अपशब्द भी कह रहा था। महिला को गुस्सा आया और महिला ने चप्पल उतार के युवक को पीटना शुरू कर दिया और इस दौरान ही भारी भीड़ थी वहां पर वो जमा हो गई। इसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और भारी संख्या में वहां पर लोग मौजूद नजर आए हैं और जिसके बाद युवक की जमकर पिटाई की गई है।
प्रयागराज में बड़ा हादसा टल गया है। यहाँ गंगा गोमती एक्सप्रेस ट्रेन हादसे का शिकार होने से बच गई है। दरअसल गंगा गोमती एक्सप्रेस प्रयागराज से लखनऊ जा रही थी और इसी दौरान गंगा गोमती एक्सप्रेस का इंजन बीच रास्ते में ट्रेन को छोड़कर आगे बढ़ गया और इसे ट्रेन दो हिस्सों में बट गई है। इंजन कोच को छोड़कर 200 मीटर आगे निकल गया और गनीमत यह रही कि बड़ा हादसा होने से टल गया। ये घटना रामचोरा रोड स्टेशन के पास की हुई है और सूचना मिलने के बाद ट्रेन से यात्री बाहर उतरे। बताया जा रहा है कि कपलिंग टूटने की वजह से ये घटना हुई है। फिलहाल रेलवे की टेक्निकल टीम ने मरम्मत कर दी है और तकरीबन 2 घंटे के बाद लखनऊ के लिए ट्रेन रवाना हुई है। तो आपको प्रयागराज से खबर बता रहे हैं जहां पर घना कोहरा भी देखने को मिला है और आपको ये भी बता दें कि भारी संख्या में वहाँ पर लोग इकट्ठे रहे, हादसे का शिकार होने से बच गए हैं लोग, दो हिस्सों में ट्रेन बट गई है, प्रयागराज में बड़ा हादसा होते होते बच गया है। बता दें आपको कि गंगा गोमती एक्सप्रेस ट्रेन हादसे का शिकार होने से बच गई है। दरअसल गंगा गोमती एक्सप्रेस प्रयागराज से लखनऊ जा रही थी और इसी दौरान गंगा गोमती एक्सप्रेस का इंजन बीच रास्ते में ट्रेन को छोड़कर आगे बढ़ गया और इससे ट्रेन को दो हिस्सों में बट गई, इंजन कोच को छोड़कर 200 मीटर आगे निकल गया। गनीमत यह रही कि बड़ा हादसा टल गया। ये घटना रामचोरा रोड स्टेशन के पास हुई है और सूचना मिलने के बाद ट्रेन से यात्री बाहर उतर आए और बताया यह भी जा रहा है कि कपलिंग टूटने की वजह से यह घटना हुई है। फिलहाल रेलवे की टेक्निकल टीम ने मरम्मत कर दी है और तकरीबन 2 घंटे के बाद लखनऊ के लिए ट्रेन रवाना हुई। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक सहारनपुर पहुंचे। उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने सहारनपुर के मेडिकल कॉलेज में ब्रेन इवोक्ड रिस्पॉन्स ऑडियोमीटरी मशीन और CO2 लेजर मशीन का उद्घाटन किया है। साथ ही उन्होंने वहां यूपी की उपलब्धियों के बारे में बताया है। उन्होंने कहा है कि सभी जगह जा रहे हैं और मेडिकल कॉलेज के साथ साथ जिले में उच्च कोटि की चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध करने के लिए सरकार प्रयास कर रही है। तो आपको खबर बता रहे हैं जहां पर बताया जा रहा है, सहारनपुर से खबर है, उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक सहारनपुर पहुंचे और जहां पर बताया ये भी जा रहा है कि CO2 लेजर के बारे में जानकारी है और इसके बारे में बताया गया है कि उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक जो है वह सहारनपुर पहुंचे और उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने सहारनपुर के मेडिकल कॉलेज में ब्रेन रिकॉर्ड रिस्पॉन्स ऑडियोमीटरी मशीन और CO2 लेजर मशीन का उद्घाटन किया है और साथ ही उन्होंने वहां यूपी की उपलब्धियों के बारे में बताया है। उन्होंने कहा है कि वो सभी जगह जा रहे हैं और मेडिकल कॉलेज के साथ साथ जिले में उच्च कोटि की चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध करने के लिए सरकार प्रयास कर रही है। मैंने जब इस विभाग का चार्ज लिया तो हमने पूरे प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेजेज में और मेडिकल संस्थाओं में ये पूछा कि कौन सी मशीनें ऐसी हैं जो अभी कार्य नहीं कर रही हैं। हम सभी जगह जा रहे हैं और मेडिकल कॉलेज के साथ साथ जिले में उच्च कोटि की चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए हमारी सरकार का संकल्प है। हर स्थिति में जो भी दिक्कतें हैं उनको हम दूर करेंगे। आज हम बिंदुवार समीक्षा भी करेंगे, अधिकारियों से बात भी करेंगे और पूरी सहूलतें लोगों को उपलब्ध कराएंगे कराएंगे। हमारी चर्चा हुई है, ये चर्चा हो गई है। बांदा के मौजा कनवारा में दबंगों के अवैध खनन का आरोप लगा है, जिसको लेकर पीड़ित ने आज जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर शिकायती पत्र देते हुए बताया कि गांव का ही दबंग जटाशंकर तिवारी मेरे खेत में जबरन JCB लगाकर गुंडई के बल पर मिट्टी खोद रहा है। मेरे केवल 2 बीघा जमीन है और जिससे अपने बच्चों का भरण पोषण करती हूँ और वहीं अब खेत को 20 फीट गहरा खोद दिया गया है, जिसके बाद अब उस खेत में कभी बुआई नहीं हो सकती, तो मैं अपने बच्चे को भरण पोषण कैसे करूंगी। आपको बता दें बांदा से खबर है जहां पर पीड़ित ने डीएम से शिकायत की है और कहा है कि दबंगों पर अवैध खनन का आरोप लगाया गया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि बांदा के मौजा कनवारा में दबंगों पर अवैध खनन का आरोप लगाया जा रहा है, जिसको लेकर पीड़ित ने आज जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर शिकायती पत्र देते हुए बताया है कि गांव का ही दबंग जटाशंकर तिवारी मेरे खेत में जबरन JCB लगाकर गुंडई के बल पर मिट्टी खोद रहा है।
हमारा में 2 बीघा खेत है, इसको जबरन जेसीबी लगाकर खुदवाया जा रहा था। जब मुझे जानकारी मिली तो मैं वहाँ गई, देखा, उनको मना किया, उन्होंने मुझे धमकी दी। कौन लोग हैं? वो जटा शंकर तिवारी और अन्य लोग। अच्छा, तो यहाँ डीएम के पास आए होंगे आप? जी, डीएम के पास हम आए हैं इसको अप्लीकेशन को देने के लिए। भी मैंने कार्रवाई की है लेकिन कहीं से कोई सुनवाई नहीं। और इसी खबर पर हमारे साथ बांदा से हमारे सहयोगी पंकज त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज, पूरा मामला क्या है, विस्तार से बताइए। जी, मैं आपको बता दूं कि ये मामला नगर कोतवाली अंतर्गत मौजा कनवार, जहां पर कुछ दबंग लोग जटाशंकर और कुछ 10-12 लोग अन्य एक पीड़िता के खेत में जेसीबी लगाकर उसकी मिट्टी की खुदाई की जा रही है और लगभग 20 फीट गहरा खेत खोद दिया गया है, जिससे पीड़ित महिला ने डीएम को आकर एक शिकायती पत्र दिया। शिकायती पत्र देते हुए बताया कि अब उसमें 20 फीट गहरे गड्ढे में मैं बुआई कैसे कर सकती हूँ, और उसके छोटे छोटे बच्चे हैं तो भरण पोषण उसी 2 बीघे खेत से उसका होता है, और दबंग जो है किसी भी तरह मान नहीं रहे। अगर वो महिला उनके पास जाती है अपने खेत को लेकर दबंगों के पास, तो दबंग सीधे कह देते हैं कि यहाँ से चली जाओ वरना तुमको इसी गड्ढे में डाल दिया जाएगा और मिट्टी इसी में पुरवा दी जाएगी। जी, कब से महिला को परेशान किया जा रहा है पंकज? ये लगभग आपको बता दी, ये मामला लगभग 15 दिनों से पहले से चल रहा है और महिला बार बार दबंगों के पास गई कि मेरे खेत की मिट्टी ना निकाली जाए। महिला परेशान होकर जब दबंगों ने खनन माफियाओं ने नहीं सुनी तो सीधे डीएम के यहाँ शिकायती पत्र देकर अवगत कराया। क्या आश्वासन दिया गया है फिलहाल महिला को? तो आश्वासन शिकायती पत्र देने के बाद यही आश्वासन हुआ कि आप रुकिए, कल आपके पास पहुँचते हैं लोग। जी पंकज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी देने के लिए। श्रावस्ती में बिजली कर्मचारी अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं और धरना प्रदर्शन सुबह 10 से शाम 5 बजे तक चला है। और आपको बताते चले कि विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के नेतृत्व में विद्युत कर्मी धरने पर बैठे हैं और विद्युत कर्मियों ने 15 बिंदु की मांग को लेकर मोर्चा खोला है। उन्होंने कहा है कि मांग पूरी न होने पर अनिश्चितकालीन धरना लगातार जारी रहेगा। इसमें प्रशासन के मतलब ऊपर से जो है कोई संसाधन मुहैया नहीं कराया जा रहा है, संविदा कर्मचारियों को नियमित नहीं किया जा रहा है, उनको मानक के अनुसार सामान नहीं मिल रहे हैं। इस स्थिति में विद्युत व्यवस्था चलाना संभव नहीं है और प्रशासन तनाशाही रवैया अपनाए हुए हैं, जिसके कारण तरह तरह की समस्याएं पड़ गई, चाहे हम रेगुलर हों, चाहे प्राइवेट हों, चाहे संविदा हों, सारे लोग परेशान हैं। कितने बिंदुओं पर मांग की गई आप लोगों? 15 बिंदुओं पर मांग की गई है। मांगे नहीं पूरी होने पर आप क्या कार्रवाई करेंगे? कहीं धरना प्रदर्शन चालू हो चुका है, ये ऐसे टाइम चलता रहेगा जब तक मांगे नहीं पूरी होंगी, धरना हमारा चलता रहेगा। हमारे यहाँ 29 को अभियंता संघ संयुक्त कर्मचारी संघ के बैनर तले जो है धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसमें हम 15 सप्ताह मांगे हैं। उसमें जो मांगे हैं वो ये है कि अधिकारियों को गलत ढंग से जो है प्रताड़ित किया जा रहा है बड़े मतलब अधिकारियों द्वारा, और हर उसमें संविदा कर्मी को नियमित करो, उनके वेतन पहाड़ी हर चीज़ जो है उसी के लिए है इसमें, और जब तक ये मांगे हमारी 15 दिन पूरी नहीं होंगी तब तक हम धरने से जारी रखेंगे। और इसी खबर पर हमारे साथ श्रावस्ती संवाददाता सूर्य प्रकाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सूर्य प्रकाश, क्या है पूरा मामला, विस्तार से बताइए। जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिले के विद्युत कर्मचारियों ने विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन कल से शुरू किया गया है, जिसके चलते जिले में विद्युत आपूर्ति कहीं ना कहीं कई इलाकों की बाधित हो गई है। उनका साफ तौर पर कहना है जब तक 15 सूत्रीय मांग है उनके लिए, जो 15 सूत्रीय मांग है शासन को लेकर उसके तरफ से उनका निराकरण नहीं किया गया तो अनिश्चितकालीन धरना लगातार जारी रहेगा और मांग न पूरी होने तक के वो लगातार धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। जी सुरेश, ये धरना प्रदर्शन कब से जारी है और क्या कुछ मांगे उनकी रही है, थोड़ा विस्तार से बताइए। जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये धरना प्रदर्शन कब से जारी हुआ है, इसमें 15 सूत्रीय मांगे हैं। उन्होंने जो कहा है कि ऊर्जा में जो सभी बिजली कर्मचारी और अभियंताओं के पूर्व की बात, 9 वर्ष से कुल 14 वर्ष तक 19 वर्ष सेवा के उपरांत पदोन्नत पद के वेतनमान प्रदान किए जाने के संबंध में इन्होंने मांग की है सरकार से। इसके साथ ही जो आर्टिकल में संशोधित आदेश है जो 24/5/2007 को किया गया था, उसके अनुसार भी
चेयरमैन, प्रबंधक, निदेशक व निदेशकों के पदों पर नियमानुसार निर्धारित चयन प्रक्रिया व्यवस्था को लागू किया जाने की, इसी संबंध में और भी मौखिक 10 बिंदु और 12 बिंदु जिसके संबंध में भी उन्होंने मांग की है। ये मांगे पूरी नहीं की जा रही है तो अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा। जी सूर्य प्रकाश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी देने के लिए। बिजनौर में पैदल जा रहे युवक को रोडवेज बस ने टक्कर मार दी है, जिससे युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई है। मृतक युवक थाना धामपुर के ग्राम मंजूपुरा अपने ससुराल जा रहा था और घटना से मृतक के परिवार में कोहराम मच गया है। युवक की 1 साल पहले शादी हुई थी। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो आपको बिजनौर से खबर बता रहे हैं जहां पर युवक की मौत का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि युवक को बस ने टक्कर मारी है जिससे युवक की मौके पर ही मौत हो गई है। और बता दें आपको कि युवक की शादी हुए 1 साल हुआ था, वो अपने ससुराल जा रहा था और रास्ते में ही ये दर्दनाक घटना हुई है, जिसके बाद युवक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। बताते चलें कि रोडवेज बस ने टक्कर मारी है जिससे युवक की मौत हो गई है। खबर बिजनौर से है। बिजनौर में पैदल जा रहे युवक को रोडवेज बस ने टक्कर मारी है, जिससे युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हुई है। मृतक युवक थाना धामपुर के ग्राम मंजूपुरा अपने ससुराल जा रहा था। घटना से मृतक के परिवार में कोहराम मच गया है और युवक की 1 साल पहले शादी हुई थी। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।